हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम MP यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम दूसरे लेक्चर में जाए, हम थोड़ा रिफर्बिश कर दें कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, या वी हैव डिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग। देन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हमने क्लासिफिकेशन देखा था। देन व्हाट इज मशीन टूल, वो हमने डिस्कस किया था। मशीन टूल का क्लासिफिकेशन हमने देखा था एंड क्या क्या एग्जांपल है मशीन टूल का, वो भी हमने डिस्कस किया था। आगे हम ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसका आखिरी और सेकेंड लेक्चर हम आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या आता है, तो है द सक्सेसफुल डिज़ाइन ऑफ मशीन टूल रिक्वायर्स। अगर आपको एकदम सक्सेसफुल मशीन टूल बनाना है तो उसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, या उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो मैकेनिक्स ऑफ द मशीनिंग प्रोसेस टू एवेल्युएट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड टू कंट्रोल द कटिंग फोर्सेस। तो जो भी आप मशीन पे काम करेंगे, मशीन टूल पे काम करेंगे, ड्यूरिंग दैट वर्किंग देर इज़ अ जनरेशन ऑफ कटिंग फोर्सेस। तो आपका जो मशीन टूल है, वो मशीन टूल ये फोर्सेस कितने जनरेट होते हैं, वो आपको चेक करके वो डिज़ाइन आपको बनानी चाहिए, सो दैट योर मशीन टूल कैन विदस्टैंड दिस ऑल द फोर्सेस। द मशीन एबिलिटी ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स टू बी प्रोसेस। ऐसा ना हो कि आपने एक मशीन डिज़ाइन किया है और वो जो मशीन डिज़ाइन किया है सिर्फ उसमें आप माइल्ड स्टील का ही प्रोसेस कर सकते हो। अगर दूसरा मशीन आता है देन यू टू दूसरा कुछ आपका मटेरियल आता है देन यू टू गो फॉर द अनदर मशीन। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो भी मशीन टूल है वो अलग अलग मटेरियल उसके ऊपर हम काम कर सके, उसको विदस्टैंड कर सके, ऐसा होना चाहिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल्स यूज टू मैन्युफैक्चर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन टूल। जब आप मशीन टूल बनाते हैं तो सिर्फ इसमें एक पार्ट नहीं होता है, उसमें अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो हर एक पार्ट की जो प्रॉपर्टीज है, वो जो मटेरियल आपने यूज़ किया वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि आपका अलग अलग मटेरियल उसके ऊपर आप काम कर सको एंड जितने भी कटिंग फोर्सेस जनरेट होते हैं वो उसको विदस्टैंड कर सके। इस तरह से हर एक पार्ट की आपकी मटेरियल्स की उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस ईच मशीन टूल पार्ट्स इकोनॉमिकली। ऐसा भी नहीं हो कि आपका मशीन टूल आपने बनाया वो बहुत महंगा हो, वो आपको इकोनॉमिकल होना चाहिए। मशीन टूल इकोनॉमिकल कैसे रहेगा, तो आपने उसमें जितने भी पार्ट्स आपने यूज़ किए अगर वो पार्ट इकोनॉमिकल होगा तभी आपका मशीन टूल इकोनॉमिकल रहेगा। तो जब भी आप कोई भी पार्ट मशीन टूल का बनाते हैं तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसमें उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो ऑप्टिमम प्रॉपर्टी हो। ऑप्टिमम मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी आपको उसको रिजिड नहीं बनाना है, ज़रूरत से कम भी नहीं बनाना है। द ड्यूरेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट टूल मटेरियल्स। आपका जो भी पार्ट्स आपने यूज़ किया है उसकी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए लेकिन ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब आप उसको लंबे समय तक आप उसको यूज़ कर सकें। एंड द प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमी, जो इंजीनियरिंग इकोनॉमी है वो आपने आपको उसमें यूज़ करना है। कैसे, तो इंजीनियरिंग इकोनॉमी ऐसा नहीं बोलते हैं कि सस्ता खरीदो या सस्ता रखो, उसको आप वो क्या बोलता है, ऑप्टिमम रखो। ऑप्टिमम मतलब जितना ज़रूरत है उतना। जैसे मेरे को 4 रोटी की भूख है तो मैं 4 रोटी खाऊंगा, 5 भी नहीं खाऊंगा, 3 भी नहीं खाऊंगा। तो इस तरह से उसको इंजीनियरिंग इकोनॉमी बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी लेवल्स दैट कैन बी, दूसरा स्लाइड है, प्रोडक्टिविटी लेवल्स कैन बी एनहांस यूजिंग। अगर आपको कोई भी मशीन टूल में आपको उसका प्रोडक्टिव लेवल आपको उसमें इम्प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, तो इंक्रीजिंग द मशीन स्पीड्स एंड फीड रेट्स। स्लो मशीन आपका स्पीड है और जो फीड रेट है अगर आपने स्लो रखा है तो आप उसको फास्ट करेंगे या इंक्रीज करेंगे।
इंक्रीज द मशीन टूल अवेलेबल पावर। अगर आप कुछ कम पावर में यूज़ कर रहे हो तो अगर वो मशीन कैपेबल है ज़्यादा पावर लेने के लिए तो आप उसको ज़्यादा पावर भी देंगे। यूजिंग सेवरल टूल्स और सेवरल वर्कपीस मशीन सेमोशनसली, तो आप उसमें क्या करेंगे, अलग अलग टूल अलग अलग वर्कपीस के लिए आप यूज़ करेंगे और जो बेस्ट टूल है वो आप इंकॉर्पोरेट करके हमेशा के लिए वही टूल यूज़ करेंगे। इंक्रीजिंग द ट्रांसवर्स स्पीड ऑफ द ऑपरेटिव यूनिट्स ड्यूरिंग द नॉन मशीनिंग पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन टाइम। इंक्रीजिंग द ट्रांसवर्स स्पीड ऑफ द ऑपरेटिव यूनिट्स ड्यूरिंग द नॉन मशीनिंग पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन टाइम। जैसे मान लो आप जो भी आपका वैल्यू एडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, वैल्यू एडिंग एक्टिविटी मतलब अगर आप लेथ मशीन पे आपने वर्कपीस लगाया उसके ऊपर आप चिप रिमूवल करते हैं, दैट इज़ द वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। लेकिन आप उसमें अगर होल्डिंग करते हैं, क्लैंपिंग करते हैं, टूल ग्राइंडिंग करते हैं, टूल चेंज करते हैं, ये जो सब टाइम होता है वो टाइम आप हो सके तब तक आप एलिमिनेट करेंगे या उसको रिड्यूस करेंगे। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ऑटोमेशन फॉर द मशीन टूल ऑपरेटिव यूनिट्स एंड देयर स्विचिंग एलिमेंट्स। जितना भी आप हो सके इतना ऑटोमेशन वो मशीन टूल में आप यूज़ करेंगे। सो दैट ऑटोमेशन यूज़ करेंगे तो यू विल नॉट डिपेंड ऑन द ऑपरेटर, ऑपरेटर के आप ऊपर आप डिपेंड नहीं रहोगे और मशीन अपने आप जितना भी आपने उसमें डेटा रखा हुआ है वो डेटा के हिसाब से काम करता रहेगा। एडोप्टिंग मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स सच एज NC एंड CNC, सेम जैसे मैंने बताया न्यूमेरिकल कंट्रोल या कॉम्प्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, आप जितना भी जहाँ तक यूज़ कर सके वो टेक्निक आप यूज़ करेंगे। सिलेक्टिंग द मशीनिंग प्रोसेस प्रॉपरली बेस्ड ऑन द मशीन पार्ट्स मटेरियल शेप कॉम्प्लेक्सिटी एक्यूरेसी एंड सरफेस इंटीग्रिटी। मतलब आपको जो भी प्रोसेस करना है वो प्रॉपरली प्रोसेस आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे प्रोसेस का भी सिक्वेंसिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई एक 40 mm डायमीटर का मटेरियल है उसमें आपको टर्निंग भी करना है और ड्रिलिंग भी करना है तो क्या करेंगे, तो पहले आप टर्निंग करेंगे। क्यों, क्योंकि आप टर्निंग करेंगे और टर्निंग करने के बाद अगर आपने 30 mm का डायमीटर बनाया तो ड्रिलिंग के लिए आपके पास 30 mm का डायमीटर रहेगा नहीं कि 40 mm का, तो आप ड्रिलिंग का टाइम आप उसमें 10 mm तक का डायमीटर में रिड्यूस कर सकते हो। जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी शेप में है वो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से आप उसका मटेरियल का प्रोसेस आप सिलेक्ट करेंगे। जितना एक्यूरेसी चाहिए, हो सकता है कि एक्यूरेसी कम मांगा है लेकिन आप ज़्यादा एक्यूरेसी देंगे। होता क्या है कि अगर ज़्यादा एक्यूरेसी मांगा नहीं है इवन दो आप उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी देंगे तो हो सकता है कि आप उसमें कॉस्ट एडिशन करेंगे जो आपको महंगा पड़ेगा। सरफेस इंटीग्रिटी में भी सेम एक्यूरेसी के जैसा ही होता है, जितना सरफेस फिनिश मांगा है इतना ही सरफेस फिनिश हम उसको देंगे। सो दैट ज़्यादा सरफेस फिनिश देने के लिए जो आपका कॉस्ट एडिशन होता है वो कॉस्ट एडिशन ना हो और टाइम भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा। इंट्रोड्यूसिंग जिग्स एंड फिक्सर्स दैट लोकेट एंड क्लैंप द वर्क पार्ट्स इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। जिग्स एंड फिक्सर्स क्या होते हैं कि अगर मान लो कि भी सेम टाइप के आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वर्क पीस है तो सेम टाइम अगर आप विदाउट यूजिंग जिग्स एंड फिक्सर्स आप करेंगे तो हर एक वर्क पीस को आपको लोकेट मतलब कहाँ पे फिट करना है वो प्लेस भी आपको दिखाना पड़ेगा और उसको फिक्स भी करना पड़ेगा। तो जिग्स एंड फिक्सर्स आपका एक आगे फिफ्थ या सिक्स में आएंगे तब उसमें एक चैप्टर्स आता है जिग एंड फिक्सर का, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन जिग्स एंड फिक्सर्स का मेन पर्पस क्या है, दैट जिग्स आर लोकेटिंग द वर्क पीस एंड फिक्सर्स आर लोकेटिंग द वर्क पीस एज वेल एज क्लैंपिंग द वर्क पीस, सो दैट आपका जो नॉन वैल्यू एडिंग टाइम है, जैसे मान लो कि वर्क पीस को होल्ड करना, उसका सेंटर ठीक है कि नहीं वो सब चेक करना, ये टाइम आपका आप उसमें एलिमिनेट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसी के कारण अगर जो टाइम आपका नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी में आप कम किया है वो टाइम आप प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हैं। मशीन टूल में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं,
मतलब कोई एक मशीन टूल है तो उसमें क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर दैट इज कंपोज ऑफ बेड कॉलम एंड फ्रेम। एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, उसका कॉलम होता है, बेड होता है और फ्रेम होता है। स्लाइड्स एंड टूल अटैचमेंट, उसमें स्लाइड भी होती है और टूल को फिक्स करने के लिए अटैचमेंट होता है। स्पिंडल एंड स्पिंडल बेयरिंग्स, स्पिंडल होता है जैसे मान लो वो स्पिंडल में आप वर्कपीस अटैच कर सकते हैं या टूल अटैच कर सकते हैं। ए ड्राइव सिस्टम मतलब पावर यूनिट होता है जो आपको इलेक्ट्रिकल पावर जो मोटर के थ्रू वो ड्राइव के थ्रू आपकी पुली में आता है और पुली से आप वो वर्कपीस या टूल को रोटेट कर सकते हो। वर्क होल्डिंग एंड टूल होल्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वर्कपीस को अटैच करने के लिए या फिक्स करने के लिए एंड टूल को भी फिक्स करने के लिए उसमें एक यूनिट होता है। कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि मान लो आपको इतना ही फीड चाहिए, इतना ही डेप्थ ऑफ कट चाहिए तो वो उतना ही आपको अलाउ करेगा, दैट इज द कंट्रोल सिस्टम। एंड ट्रांसमिशन लिंकेज मतलब एक लिंक होता है जो आपका जो रोटरी मोशन है उसको ट्रांसवर्स मोशन में कन्वर्ट करता है, या आपका जितने भी मशीन टूल के पार्ट्स का जितने भी मोशन होता है वो सब ये लिंकेज में कनेक्ट होते हैं। तो ये मशीन टूल में ये इतने एलिमेंट होते हैं। सॉरी, मोशन इन मशीन टूल, मशीन टूल में क्या क्या मोशन होते हैं, बेसिकली दो टाइप के मोशन होते हैं, एक तो ऑक्सिलरी मोशन और दूसरा वर्किंग मोशन। एक मोशन ऐसा होता है कि जो आप प्रोडक्शन टाइम में इंक्लूड होता है लेकिन एक्चुअली उसमें प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि आप अगर कोई वर्कपीस के ऊपर आपको टर्निंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो वर्कपीस को आपको लेथ के चक के अंदर आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो उस टाइम आपका एक्चुअल टर्निंग नहीं होता है लेकिन वो फिक्स करना जरूरी है, तो वो टाइम जो होता है उसमें प्रोडक्शन एक्चुअल में होते नहीं है। तो वो जो प्रोडक्शन नहीं होता है वो मोशन भी एक होता है, दैट इज नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी लेकिन वो जरूरी है। दूसरा, जैसे आपने टूल क्लेम किया, वो टूल क्लेम करने के लिए जरूरी है लेकिन उस टाइम पे आपका प्रोडक्शन नहीं होता है। तो मोशन फॉर क्लैम्पिंग द वर्कपीस, मोशन फॉर फिक्सिंग द टूल, रिलेटिव मोशन बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस। जैसे मान लो आपने टूल को वर्कपीस के नज़दीक में लाना है, उसका रिलेटिव मोशन हुआ किसके लिए, तो कटिंग के लिए या फीड के लिए या डेप्थ ऑफ कट के लिए। पोजिशनिंग मोशन ये हुआ एंड वर्किंग एंड ऑक्सिलरी मोशन जिसमें एक्चुअल वर्किंग होता है, डेप्थ ऑफ कट आपने जो सेट किया उस हिसाब से वो टर्निंग करके आपका मटेरियल रिमूव करता है, दैट इज नोन एज ए वर्किंग एंड ऑक्सिलरी मोशन। मोशन फॉर क्लैम्पिंग द वर्कपीस, वर्कपीस इज क्लैम्प इन द वर्क होल्डिंग डिवाइस लाइक चक एंड फेस प्लेट्स इन ए वाइस और ए जिग फिक्स on the machine table or mounted on the machine base or a table. In lathe, workpiece is mounted between centers. तो वर्कपीस को आप कहाँ कहाँ पे फिक्स कर सकते हो, चक में, फेस प्लेट में, वाइस में। जैसे मान लो कि आपने कुछ फिटिंग में, अगर आपका सेमेस्टर में आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपने वर्कशॉप में काम किया हो तो फिटिंग शॉप था, आपको जो भी काम दिया था वो वर्कपीस को आपने वाइस के अंदर फिट किया हो था, तो जिग एंड फिक्सर्स में भी आप फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो फिक्सिंग करने का आपका अलग अलग तरीका है। और लेथ है तो आप बिटवीन सेंटर्स, बिटवीन सेंटर्स मतलब लाइव सेंटर्स एंड डेड सेंटर्स। लाइव सेंटर्स माने चक के अंदर एक एंड होता है, दूसरा एंड आपका टेल स्टॉक में जो डेड सेंटर होता है उसमें होता है, दैट इज नोन एज ए बिटवीन सेंटर्स। इस तरह से आप वर्कपीस को होल्ड कर सकते हो। बेसिक फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ मशीन टूल ऑपरेशंस क्या क्या है, तो मशीन टूल्स प्रोड्यूसेस डिजायर्ड ज्योमेट्रिकल सरफेस ऑन सॉलिड बॉडीज परफॉर्म ब्लैंक्स एंड फॉर दैट दे आर बेसिकली कॉम्प्रोमाइज फॉर डिवाइस फॉर फॉर्मली होल्डिंग द वर्क एंड टूल एंड वर्क। आपको क्या चाहिए, तो एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो वर्कपीस एंड टूल दोनों को फॉर्मली मतलब रिजिडली आपको उसको होल्ड कर सके। ऐसा ना हो कि ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन वर्कपीस
चक में से निकल जाए या आपका टूल होल्डर में से निकल जाए या हिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फर्मली उसको आपको होल्ड करना है। ड्राइव्स फॉर प्रोवाइडिंग पावर एंड मोशंस टू द वर्क एंड टूल, वर्क पीस एंड टूल या दोनों को आपको उसको पावर देना है मोशन के लिए, रोटरी मोशन हो या ट्रांसफर मोशन हो या एक्सियल मोशन हो। काइनेमेटिक सिस्टम टू ट्रांसमिट मोशन एंड पावर फ्रॉम द सोर्सेज टू टूल वर्क, ये जो आपका जो मोशन है वो टूल का वर्क में कन्वर्ट होता है। ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम भी उसमें होता है। स्ट्रक्चरल बॉडी टू सपोर्ट एंड एकोमोडेट दोज सिस्टम विद सफिशियंट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, जितने भी सिस्टम है वो उसकी जो आपने जो फिक्स किया हुआ है वो रिजिडली वो मशीन के साथ अटैच हो। ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, मशीनिंग जब होता है तब थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता है, ड्यूरिंग वाइब्रेशन वो उसमें कुछ भी जो अटैच किया हुआ है वो डिटैच ना हो जाए, वो भी आपको ध्यान रखने का है। फॉर मटेरियल रिमूवल बाय मशीनिंग द वर्क एंड द टूल नीड रिलेटिव मूवमेंट्स एंड दोज मोशंस एंड रिक्वायर्ड पावर आर डिराइव फ्रॉम द पावर सोर्सेज एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द काइनेमेटिक सिस्टम्स कंप्राइज ऑफ ए नंबर ऑफ टाइप ऑफ मैकेनिज्म। मतलब काइनेटिक जो काइनेमेटिक सिस्टम है वो टूल एंड वर्कपीस का जो भी मोशन होता है उसमें कन्वर्ट होता है और अल्टीमेटली आपको उसमें चिप रिमूवल होता है और आपका उसमें वर्क हुआ वो आप बोल सकते हो। स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन टूल, ए मशीन टूल में हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वेरियस फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मशीन टूल में बहुत सारी फीचर्स होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बट ओनली सम स्पेसिफिक सेलेंट फीचर्स आर यूज फॉर स्पेसिफाइंग द मशीन टूल। बहुत सारी होती है लेकिन उसमें से बहुत कम जो उसके फीचर्स होता है वो स्पेसिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। ऑल द मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स एंड यूजर्स मस्ट नो हाउ आर द मशीन टूल्स स्पेसिफाई। तो अगर आपको मैं स्पेसिफिकेशन क्या है कि बाजार में आपको जाना है और आपको कुछ लेथ परचेस करना है, तो जब वो दुकान में आप जाओगे या जो आप वर्क स्टेशन पे जाओगे आप उसको बोलेंगे मेरे को लेथ चाहिए, तो वो क्या बोलेगा कौन से स्पेसिफिकेशन का आपको लेथ मशीन चाहिए। तो आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि लेथ कैसे स्पेसिफाई होता है या ड्रिलिंग मशीन कैसे स्पेसिफाई होता है या मिलिंग मशीन या कोई भी मशीन टूल कैसे उसमें स्पेसिफाई होता है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है सेंटर लेथ या लेथ मशीन, तो लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है। जब आपको पूछे भी आपको कौन सा लेथ चाहिए तो आप बता सकते हैं कि भाई मैक्सिमम डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द जॉब दैट कैन बी एकोमोडेट, कि आपको मान लो कि भाई 12 इंच का जॉब या 300 mm का जॉब आप उसको टर्निंग करना है, तो एक टाइप का उसका स्पेसिफिकेशन हुआ। या आप बोल सकते हैं मेरे को 3 फुट लंबा जॉब उसमें टर्निंग करना है, तो दूसरा टाइप का हुआ कि भाई लेंथ ऑफ द जॉब के हिसाब से भी आप लेथ मशीन को आप ऑर्डर कर सकते हैं। पावर ऑफ द मेन ड्राइव, मतलब आपका मेन ड्राइव में जो मोटर आपने जो फिक्स किया हुआ है वो कितने हॉर्स पावर का है, जैसे मान लो 2 हॉर्स पावर का है, 4 हॉर्स पावर का है, उसके बेस पे भी आप मशीन परचेस कर सकते हो। रेंज ऑफ द स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल का स्पीड कितना RPM है वो हिसाब से आप मशीन का ऑर्डर कर सकते हो। आपको फीड कितना चाहिए वो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। एंड स्पेस ऑक्यूपाई बाय द मशीन, जैसे मान लो आपका कोई वर्कशॉप है तो उसमें स्पेस कितना है, तो आप बोल सकते हो कोई मेरे को 4 फीट बाय 3 फीट में अगर वो मेरा मशीन फिक्स हो जाए ऐसा आपको लेथ मशीन चाहिए। तो ये जो 5 अलग अलग तरीके से आप लेथ मशीन का आप ऑर्डर कर सकते हो। सेम वे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है शेपिंग मशीन का, तो शेपिंग मशीन में भी सेम लेंथ लेंथ के जैसा लेंथ या ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द बेड के हिसाब से, मैक्सिमम एक्सियल ट्रैवल ऑफ द बेड एंड वर्टिकल ट्रैवल ऑफ द बेड के हिसाब से, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रोक के हिसाब से, रेंज ऑफ द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर मिनट के हिसाब से, रेंज ऑफ द टेबल फीड के हिसाब से, पावर ऑफ द मेन ड्राइव के हिसाब से और स्पेस ऑक्यूपाई बाय द मशीन के हिसाब से आप शेपिंग मशीन ऑर्डर कर सकते हो। सेम वे अगर आपको ड्रिलिंग मशीन लाना है कॉलम टाइप का, तो आप
मैक्सिमम ड्रिल साइज का डायमीटर आप उसमें कितना मैक्सिमम, जैसे मान लो 25 mm का मेरे को मैक्सिमम डायमीटर ड्रिल करना है, इस हिसाब से आप बता सकते हो। साइज एंड टेपर ऑफ द होल इन द स्पिंडल, स्पिंडल का साइज कैसा है उसके हिसाब से, रेंज ऑफ द स्पिंडल स्पीड के हिसाब से, फीड के हिसाब से, पावर ऑफ द मेन ड्राइव उसके हिसाब से, रेंज ऑफ द एक्सियल ट्रैवल ऑफ द स्पिंडल और बेड उसके हिसाब से, एंड फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाई बाय द मशीन, ये हिसाब से आप ड्रिलिंग मशीन ऑर्डर कर सकते हो। सेम वे मिलिंग मशीन के लिए, तो मिलिंग मशीन के लिए नी टाइप अगर आपको मिलिंग मशीन लेना है तो टाइप ऑर्डिनरी और स्विलिंग बेड टाइप है। ये जो डिटेल में है वो जो जो मशीन टूल का लेक्चर होगा, जैसे मान लो कि भाई ये लेक्चर के बाद में हम लेथ मशीन टूल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में ड्रिलिंग बोरिंग, तो डिटेल में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मिलिंग में कैसा होता है, तो उसका टाइप, साइज ऑफ द वर्क टेबल, रेंज ऑफ द ट्रैवल्स ऑफ द टेबल इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, आर्बर साइज, जो बाकी जो मशीन टूल होते हैं जैसे लेथ या ड्रिल या बोरिंग, उसमें जो टूल हम फिट करते हैं उसको हम स्पिंडल बोलते हैं, यहाँ पे मिलिंग मशीन में जो टूल हम फिक्स करते हैं उसको स्पिंडल के बदले हम आर्बर बोलते हैं। पावर ऑफ द मेन ड्राइव के हिसाब से, रेंज ऑफ द स्पिंडल स्पीड, रेंज ऑफ द टेबल फीड इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, एंड फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाई, उसके हिसाब से आप मशीन का ऑर्डर कर सकते हो। तो उसके हिसाब से हम देखें तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन टूल क्या क्या होता है, तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन टूल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द मेजर एक्सिस, हॉरिजॉन्टल सेंटर लेथ, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, ये हुआ अकॉर्डिंग टू देयर एक्सिस, वर्टिकल लेथ, वर्टिकल एक्सिस मिलिंग मशीन, इंक्लाइन स्पेशल टाइप का ट्रांसफर मशीन होते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्पज ऑफ यूज, जैसे एक हुआ था पहले जो हमने डिस्कस किया, दैट इज द अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कौन कौन से है, तो एक्स वाई एंड जेड, दैट इज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड इंक्लाइन। दूसरा क्या हुआ उसका मशीन टूल का क्लासिफिकेशन, पर्पज ऑफ यूज, जनरल पर्पज, सिंगल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया हुआ था। अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द ऑटोमेशन, कितना आपको उसमें ऑटोमेशन चाहिए, तो नॉन ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक, नॉन ऑटोमेटिक मतलब प्योरली इट इज आपको उसमें जितने भी काम है वो मैनुअल करने के, सेमी ऑटोमेटिक्स उसमें आप मैनुअल और थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक आप उसमें कर सकते हो, एंड फुल्ली ऑटोमेटिक उसमें आपको सब कुछ जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सब ऑटोमेटिक होती है। अकॉर्डिंग टू साइज, हैवी ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, स्मॉल ड्यूटी एंड माइक्रो ड्यूटी, ये हिसाब से आपका क्लासिफिकेशन होता है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू प्रिसीजन, आपको ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए या ऑर्डिनरी प्रिसीजन चाहिए, उसमें नंबर ऑफ स्पिंडल के हिसाब से सिंगल स्पिंडल या मल्टी स्पिंडल, जैसे ड्रिल मशीन है तो उसमें मल्टी स्पिंडल भी होता है, टू स्पिंडल भी होता है, सिंगल स्पिंडल भी होता है। अकॉर्डिंग टू ब्लैंक टाइप, बार टाइप, चकिंग टाइप एंड हाउसिंग टाइप, उसके बाद में आता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ऑटोमेशन, फिक्स ऑटोमेशन एंड फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन, स्टैंड अलोन टाइप एंड मशीनिंग सिस्टम, ये जो था वो क्लासिफिकेशन था। ये जो हमारा जो लेक्चर हुआ उसके हिसाब से आपको असाइनमेंट नंबर 2 के 3 क्वेश्चन से आपको उसमें उसके आंसर देना है और मेरे को मेल करना है। नंबर 1, हाउ प्रोडक्टिविटी लेवल कैन बी एनहांस्ड, एनहांस मतलब आप प्रोडक्टिविटी लेवल है वो कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो या इंक्रीज कर सकते हो।